तो देखें कि आ गया है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब मूड ख़राब हो गया मेरा, पूरा माथा झंझना गया एकदम, लगा इससे ना एकदम लगा मोबाइल फेंक दे ऐसे करके, एकदम तोड़ दे, क्या बजर दे या मार दे जो ठीक हो जाएगा ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बहुत ही अजीब सा दिन था मेरे लिए, बहुत ही ख़राब। अंदर से तो गुस्सा आ रहा है लेकिन स्माइल कर रहे हैं हम वीडियो पे ताकि अगला को देखने में अच्छा लगे। बहुत मतलब सुबह में मेरा आदत हो गया आजकल, क्या होता है सुबह जब उठते हैं 8 या 9 बजे जब भी उठते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं हम सारा कुछ छोड़ के हम पहले मोबाइल उठाते हैं, यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं और पहले देखते हैं कितना सब्सक्राइबर गेन हुआ है, कितना व्यूज़ आया है, बस यही काम है मेरा फर्स्ट में, उसके बाद ही देन मेरा सुबह का शुरुआत होता है। लेकिन आज जब हम यूट्यूब स्टूडियो खोले क्रोम ब्राउज़र पे, तो देखें कि आ गया है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब मूड ख़राब हो गया मेरा, पूरा माथा झंझना गया एकदम, लगा इससे ना एकदम लगा मोबाइल फेंक दे ऐसे करके, एकदम तोड़ दे, क्या बजर दे या मार दे जो ठीक हो जाएगा ऐसे। लेकिन किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया, उसके बाद अभी तक मैडम को भी नहीं पता है, मैडम भी ड्यूटी से गई, ड्यूटी गई आई और अभी बाबू को दूध पिलाते पिलाते वो भी सो गया, वो भी सो गया, दोनों सो गया, हम भी खाना खा लिए। अभी तो 4 बज रहा है टाइम। आज पूरा मूड इतना मेरा ख़राब था, इतना ख़राब था कि मतलब कोस रहता था, जितना यूट्यूबर है ना जितना जो सिखाता है कि ये वाला करो वो वाला करो ये करो लंड करो भंस करो, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, सिखाता है, मैं बोलता हूँ बकवास है ये सब, देखना बंद करो भाई, फालतू है ये लोग साला। यही लोग के चक्कर में आज हम मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, मतलब फर्स्ट टाइम होगा कि मेरा वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक। ना ही मैंने किसी का म्यूज़िक मतलब अपने वीडियो में डाला, ना किसी का वीडियो कभी यूज़ नहीं, कहें मुझे पता है मैं आज से नहीं चला रहा हूँ यूट्यूब। हमको लगता है 2011 या 12 जब नोकिया का सिम्बियन फ़ोन आता था उस टाइम से हम यूट्यूब चला रहे थे, हमको सब पता है। लेकिन पहले क्या था, हम पहले तो पढ़ाई में घुसल थे, फिर उसके बाद काम में घुस गए, इस चक्कर में यूट्यूब वूट्यूब कुछ नहीं करते थे। और यूट्यूब का हमको लगता 2 या 3 चैनल तो मेरा ऐसे ही मोनेटाइज था, जब लाइफ होके चैनल जब फर्स्ट टाइम आया था टीवी पे, उस टाइम मेरा सीरियल एक था कौन सा बहुत फेवरेट, तुम देना साथ मेरा, इतना अच्छा लगता था ये कहानी मुझे, मतलब ये सीरियल कि उसका सारा एपिसोड मैं डाउनलोड करता था यूट्यूब पर डालता था, उस टाइम कोई कॉपीराइट नहीं आता था, डालता था अति करता था। लेकिन मोनेटाइज भी सारा ग्रीनिश करके हम 2-3 चैनल में, किसी में महादेव डालते थे, किसी में क्या डालते थे, किसी में क्या डालते थे, बहुत सारा, और फिर एक आता प्यार की कहानी इस तरह एक सीरियल था वो भी आता था, वो सारा एपिसोड जो हमको पसंद आता था मेरा फेवरेट, मुझे डर था कि कहीं ये बाद में देखने को ना मिले तो इसे मैं अपना सेफ कर लेता हूँ, इसलिए यूट्यूब में हम डालते थे अलग अलग चैनल बना के और सबको मोनेटाइज करते थे, सारा ग्रीन रहता था एनी टाइम। लेकिन उतना हम कभी सोचे नहीं थे कि इससे अर्निंग भी स्टार्ट होगा। तो क्या हुआ, सिम्बियन फ़ोन तो डेड हो गया, ओवी स्टोर ख़त्म, उसके बाद आ गया एंड्रॉयड, वो अब वो ईमेल से मैं लॉगिन भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो सिम जो था पहले टेलीनॉर यूनिनॉर और एक सिम था कुछ नाम याद नहीं है, वो सब यूज होता था, वो सिम भी ख़त्म हो गया, जियो ले लिए तो वो सब ख़त्म, बकवास हो गया। तो मुझे पहले से पता था कॉपीराइट का क्या झमेला है, मतलब दिन ब दिन तो बदलते जा रहा है अभी, तो ऐसा गलती तो मैं करूँगा नहीं, फिर भी कोई बाई चांस कुछ ऐसा ना छूट जाए जिसके कारण मेरा कॉपीराइट आए, इसलिए मैंने जितना यूट्यूबर था सबका चैनल सब्सक्राइब करके हर वीडियो को देखता था। लेकिन आज क्या हो गया ये ना, टंकी एकदम दब रहा है ना, मूड ख़राब हो गया, वो भी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैंने यूज़ किया था अपने ब्लॉग, जितना भी ब्लॉग चैनल ब्लॉग मतलब वीडियो है मेरा सब में मैंने कॉपीराइट म्यूज़िक डाला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा डाला हूँ, क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री है। लेकिन देखिए कॉपीराइट फ्री होते हुए भी आज स्ट्राइक आ गया, मुझे इस चीज़ का हमको गुस्सा लगने लगा सबसे। आज इतना मूड ख़राब था कि मैं सुबह से कुछ नहीं किया, खाना खाने में मन नहीं कर रहा था, कपड़ा पहनना नहाना धोना, बाबू को ठीक से देख भी नहीं रहे थे, वो अपने खेला अपने कार्टून देखा मोबाइल में,
अपने कंप्यूटर में टीवी देखा, ये सब अपने आप किया। मतलब हम लगा के छोड़ देते तो अपने देखा, मेरा अपना ही दिमाग में कुछ और ही चल रहा था आज पूरा दिन। लेकिन मैंने सुबह रिव्यू में डाला तो वो अभी फ़िलहाल हट गया है, 4 बजे हटा। अभी जस्ट हटा तब जाके मुझे चैन पे चैन लगा, तब जाके मैंने वीडियो स्टार्ट किया। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग से इसको शेयर किया जाए, ऐसा होता है। मैं लास्ट में वीडियो के अंत में आपको ईमेल दिखा दूँगा क्या आया है। इतना ख़राब आज का दिन गया है मेरा। आज हम लोग को घूमने जाना था, एक मेला लगा है नया। आप लोग को पिछला वीडियो में भी बोले थे कि मेला नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा देखेंगे जाके क्या क्या नया है यहाँ, या फिर जो भी है एक बार देख लेते हैं। सब मन में था कल हम लोग को रात में मर गया अब बगल वाला अंकल, मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, तो मन तो चेंज हुआ था कि नहीं जाएंगे, मतलब दुख का टाइम में ये सब फालतू यहीं पे रहेंगे। लेकिन फिर हम लोग फिर सोचे कि नहीं तो ये तो दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा, शाम में एक बार टहलने के लिए जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे, ऐसा हम लोग सोच के रात में सो गया था। लेकिन सुबह ऐसा खुशखबरी मिल गया मुझे मोबाइल में कि मूड ख़राब हो गया मेरा, कुछ मन ही नहीं करने लगा। मैडम को अभी तक हम नहीं बताए हैं, बताएंगे तो गुस्सा करेगी, बोलेगी यही चीज़ कर रहा था तुम, यही चीज़ एक साल से फालतू का। ऐसा नहीं है कि हमको इससे कुछ मिल रहा है। अभी ये चैनल मोनेटाइज है मेरा, ये मोनेटाइज कब हुआ था, अगस्त में हो गया था, ये तो 3 से 4 महीना में मोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल। सब्सक्राइबर तो मेरा 3 ही महीना में कंप्लीट हो गया था, क्या कि मेरा जो कंटेंट आता था रील्स जो हम बनाते थे मास्क वाला, वो यूनिक लगता था सबको, पता नहीं अच्छा लगता होगा अच्छा ही लगता होगा, तब जाके इतना सब्सक्राइबर मेरा सन मतलब जब भी वीडियो डालते थे 20-30-50 ऐसे सब्सक्राइबर गेन होते जा रहा था। तो तुरंत ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा वॉच टाइम में थोड़ा सा टाइम लग गया, लॉन्ग वीडियो जब हम डालने लगे तब जाके ये कंप्लीट हुआ, कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ, वॉच टाइम हो गया 2-3 महीना। तो अभी तो अर्निंग स्टार्ट हुआ है, अभी तक मेरा गूगल पिन भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ कॉपीराइट आ गया मेरा। मैं नहीं चाहता हूँ कि पैसा आए इसमें, या फिर मुझे पैसा ही कमाना है। ये एक मेरा मेमोरी है, मेमोरी मेरा मतलब पूरा मात दिन का प्रतिदिन का मेरा अपना जीवन इसमें डाला हुआ है, और इसका बैकअप कहीं पे भी नहीं हम डाले हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कुछ हो प्रॉब्लम इसमें, मैं चाहता हूँ बाद में किसी कभी तो देखेंगे हम इसको रिटर्न करके अपने लाइफ को। और अभी भी डर है, क्या है कि जितना भी वीडियो है सब में मैंने डाला है म्यूजिक, हो सकता है उसमें भी आए, आप देखें क्या होता है। आज तो दिन ख़राब हो ही गया, लड्डू और मैडम सो रहा है तो देखते हैं वो लोग उठता है तो जाएगा मेला तरफ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी तरह से ताली बजा के रहते हैं। थोड़ा भी जान में जान है, शांत हैं अभी हम। मुझे तो इतना गुस्सा लग रहा है ना कि क्या बोले, मतलब जितना यूट्यूबर क्या गाली उली देते हैं ऐसा लग रहा है, या घुस के मारे वही लोग। लेकिन शांत है, क्या है कि बगल में प्रोग्राम चल रहा है, मरकी का खाना पीना चल रहा है, तो हम चिल्लम चिल्ली नहीं करना चाहते हैं, और घर के अंदर में वीडियो बना नहीं सकते, क्या है कि अजीब सा वहाँ पर मतलब वीडियो का क्वालिटी आता है, फट जाता है। मेरा इतना अच्छा मोबाइल नहीं है, और घर का बैकग्राउंड कलर्स ऐसा है कि मतलब वीडियो को क्वालिटी ख़राब कर देता है। हम लोग हम ही को मुझे ही देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है अपने आप में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सुबह का टाइम थोड़ा एनर्जी भरा और अच्छा दिन का शुरुआत करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिए बाय, गुड नाइट, और ये ईमेल देखते जाइए।